गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी कुछ काम से आए हुए थे दोगरा। ये हम लोग के घर से लगभग 35-35 किलोमीटर है और वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। दोगरा अपने दोस्त को छोड़ने के लिए, तो उसका फैमिली लोग भी था। वीडियो बनाए नहीं, बोले जाते समय वीडियो बनाएंगे। कहा ना कि वीडियो बना रहे देखते हुए सबको लगता है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से वीडियो नहीं बनाए। चलिए अब आगे आपको रोड दिखलाते हैं, गांव का रोड कैसे होता है। बहुत पतला पतला रास्ता है और सिंगल रोड में ही गाड़ी आता भी है और जाता भी है। यहाँ पे तो थोड़ा ठीक भी है, एक जाले पड़ता है, मार्केट अच्छा मार्केट है, लेकिन वहाँ का जो रोड है ना बहुत कंजेस्टेड रोड है। कंजेस्टेड मतलब दोनों साइड दुकान है, सिंगल रोड है और जाम भी बहुत लगता है। जाम इसलिए लगता है कि गाड़ी आता भी है जाता भी है, गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, सबको वेट करना पड़ता है। एक जाता है तो एक आता है, एक जाता है तो एक आता है, इसीलिए ठीक है। कुछ ऐसा सा है गांव सब भी है अगल बगल में, इसमें गाड़ी आप 20-30 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। लगभग 10-15 किलोमीटर से ये गांव है। मोटरसाइकिल सब आपको रोडे पे लगा रहता है। अभी आ रहे थे आते वक्त तो और जाम था, भसर मचा हुआ था रोड में। अभी तो जाते वक्त थोड़ा ठीक भी है, आते वक्त पूरे जाम था रोड में। जाम लगना चालू हो गया।
फाइनली यहाँ जाम खत्म हो गया है। जाम खत्म होने के बाद हम लोग निकल, यही मार्केट है ऐसा जहाँ पे देखे ना इतना छोटा रोड है, बस भी आता है गाड़ी भी आता है, एकदम फसल मच जाता है यहाँ पे रोड में। बताइए रुकते हैं, आए भी हैं लगभग एक घंटा लगा आने में, वैसे गाड़ी में बैठ कर रिटर्न भी हो रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, कमर सीधा कर लेते हैं थोड़ा कहीं रुक के जगह मिलने पर। रेलवे घूमती भी गिरा हुआ है यहाँ पर, रुक जाते थोड़ा देर। ये फाटक उठ गया है, अब हैंड ब्रेक डाउन करके अब जा रहे हैं आगे। बड़ा ब्रेकर है, पार कर लेते हैं। Do wear your seat belts for a safe drive. गांव का रोड एकदम सिंगल रास्ता, देखा एक गाड़ी जा रहा है तो पूरे रोड में हो जाता है, रोड बसता नहीं है, उधर से गाड़ी आता है तो साइड लेने में प्रॉब्लम होता है। बताइए इसमें आप गाड़ी को ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन पीछे पीछे चलते रहिए, दूसरा गाड़ी आता है वो नीचे से ही जाता है रोड छोड़ करके, जैसे जैसे साइड लेंगे तो नीचे उतार करके हमको फिर से जाना पड़ेगा, ऐसे होता है यहाँ। चलो दोस्त था, दोस्त को छोड़ दिए हैं, वो भी नहीं बोले कि नहीं छोड़ता है, उसका भी गाड़ी है, उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है तो आ गया इंश्योरेंस में एजेंसी में बनने के लिए, वो भी बन जाएगा इस मंथ के लास्ट तक, सब बोल रहा आएंगे, मतलब आएंगे नहीं मतलब गाड़ी आ जाएगा मंथ के लास्ट तक। और मतलब ऐसा हुआ था कि भयंकर एक्सीडेंट हो गया था बेनीपट्टी मार्केट में, तो बनने में टाइम लग गया, समथिंग 2 महीना से अभी बनिए रहा है गाड़ी, बनेगा फिर ये मंथ लास्ट में बोला है कि दे देंगे, बात हुआ था यही मंथ में लास्ट में देने का, लेकिन गाड़ी कंप्लीट हुआ नहीं है, और ज़्यादा जल्दी काम करवा के भी ऐसे तैसे काम कर देगा, इसलिए आराम से ही काम हो रहा हो गाड़ी का भी। कुछ देर है अभी घोघराहा एक जगह का नाम है, चौक है, छोटा सा ही चौक है, वहाँ से फिर NH पे चढ़ेंगे, 2 लाइन रोड हो जाता है, वहाँ से फिर ठीक है, डबल लाइन रास्ता है, ये तो सिंगल लाइन रास्ता है। यहाँ से राइट लेंगे, अपने घर चलेंगे आप बेनीपट्टी, बस यही तक भसर था, उसके बाद फिर अच्छा रोड है, चौला रोड है, डबल लाइन रोड है।
लोग के भी एरिया में देख रहे हैं थार आ गया। चौला चौला चक्का है, एकदम मॉडिफाई कार ये, मॉडिफाई बहुत प्यार से बनाया गया था थार को। पहुंच गए घर पे, गाड़ी को करते हैं लॉक। लॉक ही है, गाड़ी लगा दिए पार्किंग में। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग और वीडियो बना सकें। टिल द गुड नाइट।